170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें, पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं, तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। IMF से डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे जिसके लिए मिनी बजट लाना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कहा पेट्रोलियम लेवी का वादा पूरा करने के लिए 10 रुपए लीटर इजाफा करना होगा, कोशिश होगी गरीबों पर बराह रास्त बोझ ना पड़े। इमरान खान का IMF से किया गया माहिदा हम निभा रहे हैं, इकतसादी जायजे के नतीजे में पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल रेवेन्यू इकदामात, सब्सिडी खत्म या कम करनी होगी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने और तवानाई शोबे में इस्लाहात पर जोर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुजाकरात खत्म, एलामिया जारी, IMF का वर्चुअल मुजाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF से मुजाकरात, डॉलर के फिर पर निकल आए, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1.5 रुपए इजाफा, डॉलर 272 रुपए का हो गया, ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 274 रुपए का हो गया, स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 549 पॉइंट्स गिर गए। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, सबको मुल्क के मफाद के लिए खुद को बेहतर करने की जरूरत है, रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे, सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के नफाज से मुतालिक केस की समाअत, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। तुर्किया और शाम में जलजले का 5वां रोज, अमवात की तादाद 22,000 से भी बढ़ गई, 1 लाख के करीब जख्मी हैं, 1500 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके, रेस्क्यू अमला इंसानी जानें बचाने की तगदो में मसरूफ, 90 घंटे बाद भी मलबे से जिंदगियों के आसार, दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। तुर्किया शाम जलजिला, वज़ीर-ए-आज़म का हर जिला में कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म, 142 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप तुर्किया भेज दी, बोले तुर्क सदर को फोन किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई, पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के जलजिला मुतासरीन के साथ हैं। शाम के कई शहर जलजले से तहस नहस, लोग सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद, शामी सदर की दुनिया से इमदाद की अपील, अमेरिका का शाम पर आए पाबंदियां खत्म करने का फैसला, 100 घंटे बाद मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद का पहला काफिला शुमाल मगरबी शाम में दाखिल। उर्दू अदब का एक अजीम दौर खत्म, नज्म और गजल के बड़े शायर, वारिस जैसे शाहकार ड्रामे के खालिक, सफरनामों, तराजम और दीगर असनाफ अदब में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले दराज कामत अदीब अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, उनकी नमाज जनाजा आज रात 8 बजे लाहौर में मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी, तदफीन मियानी साहब आबाई कब्रिस्तान में होगी। अमजद इस्लाम अमजद ने सोगवारान में 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। सबसे पहले पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना तो उनका दुख नहीं करना चाहिए, बड़े लोग जाते नहीं है, बड़े लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, अमजद हमेशा जिंदा रहेगा। अमजद इस्लाम अमजद ने मुल्क के हालात पर हमेशा किसी भी दबाव में आए बगैर बात की, ऐसे लोग कभी नहीं मरते, अमजद हमेशा जिंदा रहेगा। दरीना साथी और दानिश्वर अनवर मकसूद का शानदार अल्फाज में खराज अकीदत, सदर ममलकत आरिफ अलवी ने अमजद इस्लाम अमजद की नज़्म शेयर कर दी, वज़ीर आज़म ने इसे उर्दू अदब का बड़ा नुकसान करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज, आज ही सुनाया जाएगा, गवर्नर पंजाब के वकील की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 15 फरवरी को तलब कर लिया, कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में आइंदा पेशी पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म, रिमार्क्स दिए कि इमरान खान आए ना आए फैसला सुना देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और पीटीआई के रवैये पर अहम सवाल उठा दिए। कहा, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? बलाई इलाकों में बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज। वादी नीलम और वादी लीपा जाने वाली तमाम राबता सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गईं। शुगरान में मजीद 1 फीट बर्फ, कागान में 6 इंच और नारान में 1.5 फीट बर्फ पड़ गई। सवात में कलाम रोड पर ग्लेशियर गिर गया, सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वीं अलकौमी बहरी अमन मशकें। अमरीका और चीन समेत 50 से ज़ायद ममालिक की बहरिया शरीक। सरबरा पाक बहरिया मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अपने पैगाम में कहा, मशकों का मकसद इलाकाई अमन व सलामती को यकीनी बनाना है। बहरी मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। खवातीन की आलमी क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, 10 टीमें 23 मैचेस में एक ट्रॉफी के लिए टकराएंगी। वर्ल्ड कप का आगाज आज से जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। मेजबान जनूबी अफ्रीका आज श्रीलंका से टकराएगी। कौमी वीमेन टीम पहला मैच 12 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी। आर्मी चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सज गया। तवील तरीन ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले फैसल शादी खेल ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। साहबजादा सुल्तान और जैन महमूद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार खेल। अल वहदा के खिलाफ हैट्रिक, 4 गोल स्कोर किए। मैच अल नसर के नाम कर दिया। इतना गुस्सा, ओपन सर डी फ्रांस टेनिस टूर्नामेंट के पहले राउंड में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक शिकस्त पर शदीद गुस्से में आ गए। 1-2 नहीं, 3 रैकेट तोड़ दिए।